दोस्तों ये है गूगल का नेस्ट मिनी स्मार्ट स्पीकर, जो कि एक सेकंड जनरेशन डिवाइस है गूगल की तरफ से। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है इंडिया में भी। इसकी इंडिया में प्राइसिंग जो है वो 4500 है, बट ये डिवाइस मैंने यूएस से ऑर्डर किया था अराउंड $30 में। कन्वर्जन देखे तो 2100 के अराउंड कॉस्ट करता है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है इस बॉक्स के अंदर, और फिर हम इसका सेटअप करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या एक यूएस वाला डिवाइस भी इंडिया में उसी तरीके से वर्क कर सकता है और क्या कुछ डिफरेंस है यूएस और इंडियन यूनिट में। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपसे से रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो आप इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके पास नए नए डिवाइसेस लेके आऊँ, और आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे वो मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स के ऊपर यूजली मैंने इंडियन यूनिट भी देखी है, ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कि यूएस वाले इस यूनिट से लेकर। इमेज भी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे कुछ इंडियन ऐप्स है जैसे Spotify की जगह Gaana.com जैसी ऐप्स डाल रखी है। बाकी यूजुअली गूगल असिस्टेंट, फिलिप्स हियो, इन सब के साथ वर्क करता है। यहाँ पे इंडियन यूनिट पे ऑब्वियसली एक इम्पोर्ट का स्टिकर होता है जिसमें MRP और मैन्युफैक्चर डिटेल्स होती है। ये लोगो है, होलोग्राम है, यहाँ पे नेस्ट मिनी है, ये सेकेंड जनरेशन डिवाइस है इधर मेंशन है। और अब हम इसे करते हैं ओपन, देखते हैं। ये मैंने ब्लू कलर का, वायलेट कहते हैं या ब्लू कहते हैं कुछ ऐसा था, ये वॉलमार्ट से ऑर्डर किया था, तो मैं देख लूंगा उसमें क्या है कलर। बहुत ही अच्छा टेक्सचर लग रहा है यहाँ पे, और ये नीचे सेम एलेक्सा की तरह, इको डॉट थर्ड जनरेशन की तरह यहाँ पे भी एक रबर जैसी फिनिश दी गई है ताकि ये स्लिप ना करे। इसे हम साइड रख लेते हैं फिलहाल के। ओके, तो यहाँ पे मिलता है आपको एक चार्जर, सॉरी नॉट चार्जर, एडेप्टर, पावर एडेप्टर है। चलिए हम साइड रख लेते हैं फिलहाल। और क्या कुछ आता है, एग्जैक्टली सेम इंडियन यूनिट की तरह इसमें वही पेपर है और कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है दोनों में। बॉक्स आई बिलीव के एम्प्टी हो चुका है, इसे हम अप साइड रख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे आपको ऊपर मिलता है एक फैब्रिक कह सकते हैं हम इसे, बट होगा ये पॉलिस्टर का ही फैब्रिक। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है डस्ट की, कि ये बहुत जल्दी डस्ट को अट्रैक्ट करता है, इसके अंदर चले जाता है आपको क्लीन करने के लिए बहुत थोड़ा सा, या तो आप फ्रिक्वेंटली इसे क्लीन कीजिएगा ताकि ये साफ रहे। नीचे आपको वही रबर फिनिश मिलता है थोड़ा सा, जो कि स्लिपरी नहीं होता। फिर इधर पे आपको एक माइक्रोफोन ऑफ करने का बटन दिया है, और ये आपका पावर अडेप्टर को प्लग इन करने के लिए, और ये अगर आप इसे हैंग करना चाहते हैं। और इसके काफ़ी एक्सेसरीज आती है जिसमें आप इसे किसी भी प्लग के साथ हैंग कर सकते हैं, वो अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने इसे यूएस से ऑर्डर किया तो मुझे यूएस पिन वाला अडेप्टर मिला है। इसे सिंपली यहाँ कनेक्ट करना होता है आपको लाइक दिस, और अब आपको ये पोर्शन मैं अडेप्टर में कनेक्ट कर दूंगा। Hi. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Google Nest Mini को कनेक्ट करने के लिए आपको अपने फोन पे Google Home app को इंस्टॉल करना होगा, जिसमें आप अपनी Gmail ID से लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप उसमें अपना एक डिवाइस का लोकेशन क्रिएट करेंगे, जैसे कि आपका होम में है या ऑफिस में है, और साथ ही साथ उस लोकेशन को जियो लोकेशन से भी टैग करेंगे, ये आपको आगे हेल्प करेगा। उसके बाद आपका डिवाइस ही सर्च करता है, सर्च करने के बाद आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए अपने डिवाइस को। इन सब के बाद आपको अपने गूगल असिस्टेंट को आपकी वॉइस से फैमिलियर करना होगा, जिसके लिए कि गूगल असिस्टेंट आपसे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पूछेगा ताकि वो आपकी वॉइस को रिकनाइज कर पाए। इन क्वेश्चंस को आप लाउडली थोड़ा आंसर कीजिएगा, जैसे ही उसका वो सर्कल कंप्लीट होता है आपका डिवाइस आपकी वॉइस से फैमिलियर हो जाता है, और अब आप नेस्ट मिनी को अपनी वॉइस से कमांड दे सकते हैं। तो गूगल को सेटअप करना थोड़ा सा ट्रिकी था, बट फाइनली ये सेटअप हो गया है। अब इस पर जो हम स्मार्ट लाइफ एक ऐप यूज़ करते हैं जिससे कि हम बाकी अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखते हैं, आप उसे यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, जिससे मैंने ये लिंक करके इस लैम्प को कनेक्ट कर दिया। आपने अब यहाँ पे देखिए, मैं जैसे आपको पहले बताया था, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, और यहाँ पे ये प्लेन पॉज बटन है। तो इसकी वॉइस देखते हैं, ये लो वॉल्यूम है, ये हाई वॉल्यूम है।
चलते हैं यहाँ पे। अब कुछ सवाल हम इससे हिंदी में भी पूछते हैं। ओके गूगल, आज मौसम कैसा है? आज शाहबाद मारकंडा में अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 11 के अनुमान के साथ बौछारें पड़ेंगी। अभी तापमान 16 है और अधिकतर बादल छाए रहेंगे। ओके गूगल, एक गाना चला दो। गाना पर कुछ म्यूजिक चलाया जा रहा है। हम पॉज कर देते हैं यहीं पे। तो देखा आपने, हिंदी पे सेटअप करना ये बहुत ईजी। तो अगर आप यूएसए भी इस डिवाइस को बाय करते हैं, बिकॉज प्राइस का काफ़ी अच्छा डिफरेंस आ रहा है, तो तब भी आप इसे इंडिया में सेटअप कर पाएंगे। ओके गूगल, 30 मिनट का अलार्म सेट कर दो। ठीक है, आज शाम की 4:30 पर अलार्म सेट कर दिया गया। जैसे अभी 4 बज रहे हैं तो 4:30 का इसने अलार्म सेट कर दिया। ओके गूगल, मेरे ऑफिस से घर तक जाने में कितना समय लगेगा? आपको सामान्य ट्रैफिक में ड्राइव करके दफ्तर से घर जाने पर 25 मिनट लगेंगे। ओके गूगल, कसौली कितनी दूर है यहाँ से? अगर आप ड्राइव करके जाते हैं तो कसौली 113 किलोमीटर पड़ेगा। और कसौली का मौसम कैसा है? ओके गूगल, वहाँ का मौसम कैसा है? अभी कसौली में तापमान 5 डिग्री है और बादल छाए रहे हैं। तो देख, अधिकतम तापमान 6 और न्यूनतम तापमान 2 के अनुमान के साथ बारिश होगी। तो देखा आपने, ये कंटिन्यूटी में भी क्वेश्चंस को लेता है। अगर आप दूसरी डिवाइसेज की बात करें तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़रूर आ जाता है, वो एक क्वेश्चन को फिनिश करके उसे कंटिन्यूटी में नहीं ले पाता, जबकि मैंने काफ़ी टाइम लगा के थोड़ा सा बीच में गैप देखे, इससे लास्ट क्वेश्चन के रेफरेंस में ही नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, तो उसने उसका आंसर कर दिया। जैसे कि मैंने इसे पूछा था कि कसौली में कितना समय लगेगा जाने में और वहाँ का मौसम कैसा है बिना कसौली का नाम लिए, तो इसने वो भी आंसर किया। तो डेफिनेटली ये सब कुछ है गूगल सर्च इंजन की वजह से होता है, बिकॉज वहाँ पे ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। एलेक्सा के पास उतना अच्छा सर्च रिजल्ट्स नहीं आ पाते कंटिन्यूटी में, ऑल्दो उसके भी अपने कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, उसका हम डिटेल में कंपैरिजन डेफिनेटली बनाएंगे आने वाले सब। तो ये था नेक्स्ट मिनी पे हमारा एक छोटा सा रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो। जहाँ तक बात करें कि यूएस डिवाइस की, तो आप कहीं से भी बाय कीजिए, आई डोंट थिंक के उसमें कोई भी डिफरेंस है इंडिया में यूज़ करने में। ये हिंदी में भी बोलता है, आंसर करता है इजीली, आपको सिर्फ लैंग्वेजेस को ऐड करना है। और यही नहीं, आप कहीं पे भी इसे यूज़ करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तब भी ये वर्क करेगा। तो डेफिनेटली अगर आपको एक प्राइस डिफरेंस ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, जैसे कि मुझे ये $30 में मिला, अराउंड 2100 रुपीज़ में, इंडिया में ये 4500 का भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, तो बहुत अच्छा प्राइस डिफरेंस है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड फैमिली यूएस में है, कनाडा में है, वहाँ से ट्रैवल करके इंडिया आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसे वहाँ से ज़रूर मंगा लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप आराम से इसे इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें क्या 4500 में लेना है इसे एक अच्छा डिसीजन है, तो मैं बोलूँगा नहीं, 4500 एक बहुत ज़्यादा प्राइस है इसको बाय करने के लिए। इससे अच्छा आप अमेजोन का इको डॉट 3rd generation ले लीजिए, जो कि 2500 में विद एक स्मार्ट बल्ब आपको मिल जाता है, और सेल्स के दौरान वही डिवाइस आपको 2000 में कॉस्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। साथ में अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई गूगल मिनी होम को बाय करने वाला है या नेस्ट को बाय करने वाला है, तो डेफिनेटली उससे ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प हो सके। और अगर आपके कुछ सवाल हैं जो कि गूगल मिनी से जुड़े हुए हैं, कि इस डिवाइस में किस तरीके से सेटअप होता है, या इसको हम अगर अमेज़ॉन के एलेक्सा डिवाइस से कंपेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना पाए। अब रिसेंटली मैंने एक एलेक्सा के 3rd generation डिवाइस में वीडियो बनाया था, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, मैं ये आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, तो आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो अगर आपकी आपको चाहिए कि इन दोनों का भी एक डिटेल में कंपैरिजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, और देखते रहिए हमारे चैनल्स को, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।